वेलकम बैक जी. वकार वदूद हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं. टीवी पे ना भी बैठे हो तो भी बड़ी मज़े मज़े की बातें होती हैं. तो आज तो मैंने बहुत कुछ सोचा था. टाइम ज़ाहिर कम होता है, एक शो का कॉम्पैक्ट होता है, तो हमें बड़े कंपोज रहे. हमारी बातें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. हाँ, कभी ख़त्म नहीं हो सकती. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे अंदर, आपने औरतों के बीच में औरतों के साथ बहुत वक्त गुजारा है, तो आप तो वाहिद मर्द हैं फिलहाल कराची के जो औरतों को बड़े अच्छे से समझते होंगे. सो मैं कुछ फ्रेजेज हैं जिनके बारे में मर्द हजरात बड़े परेशान हैं कि भाई मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरी बहन ने, अम्मी ने ये बोला था, मगर मतलब तो कुछ और ही था उसका. तो क्या असल में मतलब होता है इन फ्रेजेज का, वो आपने बताना है. भाई हमने कुछ फ्रेजेज यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहले तो आप बताएं कि जब औरत बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, इसका मतलब है कि उसको इस बात ये बावर कर चुकी होती है कि ये समझ गए हैं और इनको हल पता है. लेकिन मैं ये बोलूंगी तुम समझोगे तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, बट लेकिन उनको पता होता है कि इनको समझ आ रही है. जब कहती है छोड़ें रहने दें, इसका मतलब वो हार जाती है. उसको पता होता है कि अब होगा वही जो ये चाह रहे. जब कहती है कि अरे आपसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी, ये वाहिद वो बात होती है जो हर औरत का मेजर हथियार होता है. उसको हर बात सुनानी होती है एक अपने हस्बैंड को कि हर बात कीजिए आप. फिर एंड में ये होता है जब वो कहते हैं ना कि मुझे क्यों बता रही है बात, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी. ओके, अच्छा, जब कहती है कि आपको बताने का कोई फायदा नहीं, इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप कुछ नहीं हो सकता. लेकिन आखिरी तीर करती है कि शायद इससे बूस्ट अप हो जाए, शायद कुछ कर ले. जब कहती है कि आपने मेरी तारीफ नहीं की, ये तो जनरल फिनोमेना है, तो हर औरत में खास से कहती है कि हाँ. जब क्योंकि एक मुझे लगता है एक आदमी अगर अच्छी बात तो है तो तारीफ करवाना चाह रही होती है, करवाना चाह रही होती है, लेकिन करना भी चाहिए आदमी को. हाँ, करनी भी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. क्या मुझे डाइटिंग की जरूरत तो नहीं है, ये तो हर औरत को लगता है. हाँ, और जब वो ये कहती है कि कल से मैं डाइट शुरू कर रही हूँ, तब से वो कल कभी नहीं आएगी. वो कल कभी नहीं आएगा. लेकिन मैंने बहुत ज्यादा क्रेज भी देखा है आजकल औरतों में. हाँ. कि भाई लगी हुई है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी खवातीन है ना, वो हर वो उल्टा काम करती है जो नहीं करना चाहिए. हाँ? डाइटिंग के हिसाब से. हाँ, वो फाके और मुकर है ना. एग्जैक्टली. आपको कौन लाया था इंडस्ट्री में? मुझे कोई भी नहीं कराया था, कोई एक भी नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि मुझे हाँ. कराया था. मैं इस तरह आया था इंडस्ट्री में कि कितने साल पहले, ये है 2003 की बात. ये सानिहा 2003 में पेश आया था. बिल्कुल. मुझे ये था कि मैं वो स्पेयर पार्ट था अपनी फैमिली का. हाँ, स्पेयर पार्ट. स्पेयर पार्ट होता है ना, जो जिसके यहाँ कहीं शादी हो रही तो उसको वहाँ भेज दो काम करने का. हाँ, या फिर हाँ. कहीं किसी का कहीं जाना है तो इसको ले जाओ. ये सारे बड़े बहन भाइयों के साथ यही होता है. होता है कि अस्पताल में कोई नहीं रुकने वाला, इसे रोक. नुमाइंदा हो जाते माँ बाप का. एग्जैक्टली. नहीं, वो एक वो भी होता है ना कि ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये करा रहा हूँ. ठीक है. तो मुझे बड़ा जब शुरू में सबने कहा कि जी मेरे पापा की डेथ जल्दी हो गई, तो सबने कहा बड़ा बेटा है तो जरा सब जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं चीज़ें. हाँ. तो मैंने डिफरेंट जगह जॉब्स के लिए, अब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे मेकअप करना चाहिए. मुझे कोई इस बात की ना मेरा कोई प्लानिंग थी, ना मेरे को बचपन से होता ना बचपन से ख्वाब क्या बनना चाहते थे. मैं हमेशा मुझे फैसिनेट करता था फ्लाइट स्टीवर्ड. ओके. मुझे लगता था कि मुझे फ्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहिए. हाँ, ये बस यही था. तो जब मैं फ्लाइट स्टीवर के लिए मैंने अप्लाई किया, उस वक्त मेरे पापा जिंदा थे. अच्छा. तो मुझे वहाँ पर उस वक्त मेरा वेट था, लेकिन इतना ज़्यादा वेट नहीं. हाँ. था. तो मुझे वेट की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. हाँ. और मैंने जबकि सेल्फ फाइनेंस ट्रेनिंग पे फर्स्ट पोजीशन ली थी वहाँ. अच्छा. तो उसके बावजूद कहने जी वेट का मसला है तो वो हाँ. नहीं हो सकता. तो मुझे लगा ये तो दुनिया ख़त्म हो गई. तो फिर उसके बाद मुझे जब पापा की डेथ हुई तो सबने कहा कि अब तो इसने जॉब करना है. फिर आपने जिंदगी का मकसद नहीं बना लिया कि मैं भूखा रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा? नहीं, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था. मुझे था कि अब तो मना हो गया ना, कुछ नहीं हो सकता. आज जब मुझे कहा गया जॉब के लिए, तो मुझे सबसे पहले एक 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 फैक्ट्री थी जहाँ चावल की बोरियां उतरती हैं. और आप तो वहाँ गए? हाँ, मैं वहाँ गया. वहाँ मैंने जॉब की. वहाँ पर क्या काम करते थे? मैं सिर्फ काउंटिंग करता था कि जो बोरियां उतरती थी कि कितनी काउंटिंग. कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? अलग दुनिया. बिल्कुल. वेरी बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे कभी मैं बाहर निकला नहीं था फैमिली से ज्यादा. तो मुझे बहुत लगता था कि ये तो बहुत ऑड जॉब है जो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उस पर पैसा तो कमाना था तो ये करना था. तो वहाँ पर क्योंकि उस पर आई वॉज वेरी फैमिनेशन, बड़ा मम्मी डैडी टाइप बच्चा, बहुत आप जनाब वाला. तो वहाँ मुझे काफ़ी हरेसमेंट का सामना करना पड़ा. तो मुझे अच्छा? लगा हाँ. तो मुझे लगा कि ये जगह इट्स नॉट फॉर मी. अच्छा. फिर मैंने ज्वाइन किया. ओके. वहाँ पर तो टाई पहन के बैठना था और मैं टाई पहन के नहीं बैठ सकता. हाँ. था और मैं बैठने वाला काम तो कर ही नहीं सकता. हाँ. था. फिर वहाँ से निकाल दिया गया, धक्के मार के चले जाए आप आउट हो जाए.
फिर उसके बाद मैं एक अपनी खाला का एक जूता जुड़ा, एक स्पेयर पार्ट था कहीं भी कोई काम के लिए भेजते थे, जब मैं वहाँ चप्पल जुड़ाने गया तो वहाँ पर मैंने कहा कि वहाँ एक सैलून था, उस तो उस सैलून में मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा। मैंने वहाँ ट्राई किया, मैंने कहा देखिए मुझे सिखा दे मेकअप। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे मेकअप करना चाहिए। ओके। फिर मैं एक दो और सैलून गया जो कि उस वक्त मेल ब्यूटी ब्यूटिशियंस जो काम करते थे उनके पास गया, उनकी तरफ से तो साफ इनकार हो गया। क्यों? तो मैंने बस उनको था कि आपने अगर ट्रेनिंग देनी है तो 3 लाख रुपए देने होते हैं, 2.5 लाख 3 लाख, तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे तो है नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे उसी सैलून से कॉल आई। अच्छा। कि आप जो है वो आ जाए। तो ये वही सैलून था, मुसर्रत नज़मा का सैलून था। तो मुझे जब उन्होंने बुलाया सो वहाँ पर मैंने उनको, जब मैंने मेकअप किया तो उन्होंने कहा आप पहले तो ये बात मुझे सच सच बताएं कि आपने सीखा हुआ है कि नहीं। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं सीखा हुआ, कहने की लग नहीं रहा कि आपने सीखा हुआ नहीं। बस फिर उन्होंने मुझे सैलून पे रखा, फिर सैलून में थोड़े से प्रॉब्लम्स मुझे लगे कि इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते सैलून में, उस वक्त उस वक्त की बात है 2000 की। तो फिर मैं चला गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा। मुसर्रत आपा ने मुझे लाहौर वाले सैलून में शिफ्ट कर दिया, वहाँ फिर मैं रीमा रेशम साइमा इन लोगों के साथ मैंने काम। मुसर्रत आपा के साथ कैसा टाइम शेयर किया? बहुत अच्छा, लवली टाइम। तो ये तो आपका सीखने का सफर था, मगर जैसे जैसे आपने सैलून ज्वाइन किया और आप सीख रहे थे और लोगों को पता चल रहा था कि अब भाई ये जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं उनका लड़का जो है वो पार्लर में काम कर रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट था? हाँ, ऑफ कोर्स बुरा था क्योंकि उस वक्त इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो लोगों के ज़हन में यही था लड़कियों जैसा था ना, यू द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली उस वक्त। हाँ, मैं सारा चीजें मैं करता था, और उस वक्त मैं खैर इतना नहीं करता था, उस वक्त पापा के जो पैसे रखे हुए थे वही सब चीजें, पेंशन और चीजें। लेकिन ये कि आहिस्ते आहिस्ते मैंने काम शुरू किया तो फिर लोगों के फैमिली जो खानदान जैसे कहते हैं वहाँ इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सोचते हैं कि किसी और मुल्क होता है या किसी और सोसाइटी में होता तो मैं ज्यादा आसानी नहीं, आई थिंक कि मैं जितना वर्ल्ड ट्रेवल किया है शूटिंग्स के हिसाब से मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में हमने कुछ नहीं किया, वो कहीं कुछ नहीं कर सकते।